हेलो दोस्तों, पहाड़ी स्टाइल में आपका स्वागत है और मैं हूँ सुजाता। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आज शुरुआत करना चाहती हूँ आपका धन्यवाद देके कि आपने मेरी वीडियोस को इतना प्यार दिया है। उसके लिए रियली तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, व्यूअर्स हैं, जो मेरी वीडियो को देखते हैं और पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक पे। तो दोस्तों, आजकल का जो टाइमिंग है आपको पता है वो है मॉड्यूलर किचन का। तो हम मॉड्यूलर किचन जब बनाते हैं तो बड़े चाव से उसे बनाते हैं कि हमें अपने किचन में किसी सामान को ढूंढने में ज़्यादा मशक्क़त ना करनी पड़े। या जो मॉड्यूलर किचन हो तो काफ़ी एक तरीके से आपके लिए बहुत सुविधाजनक होते हैं कि आपको सामान ना ढूँढने में सुविधा, आपको झुकना ना पड़े इस चीज़ की। तो दोस्तों, जितनी ये हमें सुविधा देते हैं उतना ही अगर हम इसको मेंटेन ना करें, इसकी सफाई ना करें, तो ये एक गंदगी का घर बन जाती है। क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ड्रॉर्स होते हैं। ड्रॉर्स होने के साथ साथ दोस्तों, इसमें बहुत सारे आपने देखा होगा कि छेद होंगे, कहीं पे स्क्रू के बटन्स होंगे, तो उनमें ना कॉकरोच घुसने की, कॉकरोचों के पनपने की ज़्यादा सुविधाएं पैदा हो जाती है। तो इनकी सफाई करना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। दिखने में ये ज़्यादा सुंदर लगते हैं बाहर से, अगर आप इनकी सफाई ना करो तो ये बिल्कुल आपके किचन को बिल्कुल अनहाइजीनिक बना देंगे दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों आज का ये वीडियो कि कैसे आपको अपने कैबिनेट्स को क्लीन करना है। दोस्तों, तो मैं एक भाग को आपको क्लीन करके बताऊंगी कि इस वाले भाग को आपको कैसे क्लीन करना है इन कैबिनेट्स को। तो मेरा जो ये ब्राउन वाला हिस्सा है मैं इसको क्लीन करके बताऊंगी। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं जो इसमें सामान रखा है, ऊपर की क्रॉकरीज, जो मेरे स्पून्स वगैरह हैं। तो सबसे पहले आपको अपना जो भी कैबिनेट्स क्लीन करना है उसको अच्छे से क्लीन कर लीजिए, उसका सारा सामान बाहर निकाल लीजिए। क्योंकि अगर आप बिना सामान निकाले बाहर सफाई करेंगी तो समझ लीजिए जो बैक्टीरिया है, जो डस्ट है, वो तो उसी में रहेगी। तो इसीलिए सबसे पहले काम आपको यही करना है कि अपने कैबिनेट्स को पूरा खाली कर देना है। खाली करने से ही होगा कि जितनी भी गंदगी है वो आपको एकदम दिख जाएगी। तो मैंने ये खाली कर चुके हैं, तो जितना बचा कुचा सामान है मैं सभी से निकाल लूँगी। तो देखिए, ये खाली हो चुका है पूरा कैबिनेट्स। ये ऊपर का हिस्सा है, इसके नीचे का हिस्सा मैंने नहीं करा है। तो इसको आपको निकालना कैसा है, तो देखिए हल्का सा इसमें साइड से ऊपर की तरफ प्रेस करना है, ये पूरा आपका जो स्टील का रैक है वो इजीली निकल जाएगा। तो अब मुझे नीचे वाले हिस्से को भी निकाल देना है। तो इससे भी मैं पहले अपना सारा सामान हटा दूंगी और उसके बाद इसे निकाल लूंगी, जितने भी बर्तन हैं। तो मैंने इसे निकाल लिया, हल्का सा ऊपर की तरफ पुश करें। दोनों कॉर्नर्स में आप देखेंगे एक हुक सा होगा, डंडी सी होगी, उसको ऊपर की तरफ पुश करना है। इसको क्लीन करने के लिए मैं एक पेस्ट तैयार कर रही हूँ, तो 2 चम्मच मैं यहाँ पे लूँगी डिश वॉश। आपके पास डिश वॉश नहीं है तो आप नॉर्मल सी छोटी सी टुकड़ी डिटर्जेंट की ले सकती हैं, सॉरी डिटर्जेंट जो पाउडर होता है उसे ले सकती हैं। तो इसको लेने के बाद मैं यहाँ पर 1 चम्मच ले रही हूँ खाने का सोडा, जिसे आप बेकिंग सोडा भी कहते हैं, वो लेंगे। ये अच्छे से क्लीन कर लेता है दाग वगैरह को। तो 1 चम्मच मैं नमक ले रही हूँ। नमक मैं इसलिए ले रही हूँ कि जो जंक वगैरह लग जाता है स्टील वगैरह में, जो इसमें लोहे का वगैरह का होगा, तो वो साफ़ हो जाएगा आराम से। और मैं 2 चम्मच यहाँ पे ले रही हूँ विनेगर। विनेगर नहीं है तो आप नींबू का रस भी ले सकते हैं यहाँ पर। तो इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए और एक पेस्ट बन के बिल्कुल तैयार हो जाएगा, जो आपके जो स्टील के कैबिनेट्स हैं वो अच्छे से क्लीन हो जाएंगे इससे। तो ये पेस्ट हमारा बन के तैयार है। तो ये देखिए, तो मैंने सबसे पहले मेरा वैसे कैबिनेट्स आपको दिख रहा होगा कि साफ़ ही है, इतना गंदा नहीं है, क्योंकि मैं इसे टाइम टू टाइम क्लीन करती रहती हूँ कॉटन के कपड़े से, साफ़ कपड़े से। तो आपको क्या करना है, ये पेस्ट अप्लाई करना है, या आप ये इस टाइप का ब्रश ले लीजिए, स्पॉन्ज ले लीजिए, स्क्रबर ले लीजिए, एक टूथब्रश भी ज़रूर ले लीजिएगा इस टाइप का ब्रश। ये इसलिए कि जो इसके कोने कोने होता है ना उसे अच्छे से क्लीन हो जाएगा। तो आपको इन कोने कोने में, ये इसमें नॉर्मल जो ब्रश होता है वो नहीं जा पाता, इसीलिए मैंने इसे टूथब्रश, ये इस टाइप का छोटा ब्रश लिया है कि ये अच्छे से क्लीन हो जाए इन जगहों में। और दोस्तों, एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए, अगर आप इसे वॉश नहीं कर पाती हैं इतने कैबिनेट्स को, तो जो इसमें मैंने डिश वॉश की मात्रा या डिटर्जेंट की मात्रा है उसको थोड़ा कम कर लीजिए। क्योंकि मैं इन्हें वॉश करती हूँ तो मैं इसलिए इसे कम नहीं करूँगी। तो अगर आप डिश वॉश की मात्रा कम कर लेंगे तो आप इसे नॉर्मल गीले कपड़े से भी इसे साफ़ कर सकती हैं।
तो आपको नॉर्मल स्क्रबर से इसको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। मैं थोड़ा सा गीले कपड़े से अप्लाई कर रही हूँ, मतलब अपने स्पॉन्ज को थोड़ा सा मैंने गीला कर लिया है, तो मैं इसे अच्छे से रगड़ रही हूँ कि अच्छे से साफ़ हो जाए और इसमें जो शाइन है वो अच्छे से चमक आए, या जो कैबिनेट से मेरा वो अच्छे से चमक जाए। तो मैंने जैसे आपको बताया है कि अगर आपको वॉश नहीं करना है तो जो डिटर्जेंट या डिश वॉश की मात्रा उसे बहुत कम रखिए। तो आपको ऐसे इसे अच्छे से वॉश कर लेना है। हाँ, एक चीज़ का और ध्यान रखिएगा दोस्तों कि अगर आपके जो कैबिनेट्स हैं उनमें जंक लगा है, बहुत गंदा है, तो अप्लाई करने के बाद इसे 10 मिनट्स थोड़ा ऐसे ही छोड़ दीजिए और पूरी तरह से अप्लाई करने के बाद इन पेस्ट को अच्छे से ब्रश से रगड़ लीजिए, तो आपका जंक वगैरह भी है वो एकदम से साफ़ हो जाएगा। तो मैंने इसे अच्छे से अप्लाई कर लिया है, लगा लिया है, इसके बाद मैं इसे वॉश करूँगी। तो वॉश करते टाइम एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, जो इसके आगे का हैंडल्स हैं, जो वुड का है, सनमाइका है, उसको बिल्कुल भी वॉश मत कीजिए, आपका जो वुड है वो ख़राब हो जाएगा। तो मैं सिर्फ आगे फ्रंट का वॉश कर रही हूँ, आप देख सकते हैं। आप ऐसे लगेगा कि आप, मैं पानी वेस्ट कर रही हूँ, तो मैंने आपको कहा आप दूसरा ऑप्शन भी ले सकती हैं गीले कपड़े से साफ़ करके। तो मैं वॉश करना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, मैं इसीलिए इन्हें वॉश कर रही हूँ क्योंकि मेरे कैबिनेट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं इस टाइप के। तो अच्छे से वॉश कर लीजिए और इसके बैक साइड में भी वॉश कर लीजिए, और यहाँ पे थोड़ा सा आप बर्तन धोने का डिश वॉश भी अप्लाई कर सकती हैं। तो ये देखिए, ये वॉश कर लिया है मैंने। तो देखिए, ये वॉश जब ये आपका अच्छे से हो जाए तो प्लीज़ आगे के वुड पे पानी मत लगाइएगा। तो वॉश, मैं उसको क्लीन करना अभी आपको बताऊंगी कि आपको उसको कैसे क्लीन करना है। तो ये वॉश हो गया, आपके घर में धूप है या आप इसे बाहर रख सकती हैं तो बहुत अच्छा, ये अच्छे से सूख जाएगा। अगर आप इसके इसे बाहर नहीं रख सकते तो आपको एक नॉर्मल ड्राई कपड़ा लेना है कॉटन का और उसे अच्छे से इसे क्लीन कर लेना है कि अच्छी तरह से सूख जाए, इसमें बिल्कुल भी मॉइस्चर ना रहे। और बैक साइड से भी ज़रूर साफ कर लीजिए इसे। और ये जो कोने कोने में जहाँ पे ये मूव होता है उस एरिए पे भी, तो अच्छे से देखिए ये साफ़ हो चुका है, अरे कितना चमकदार हो चुका है। अब आगे के हिस्से को आपको कैसे साफ करना है, इसे गीला नहीं करना है। ये मेरा ऑल पर्पज़ क्लीनर आप इसे बोल सकते हैं, और किचन का स्पेशली जो चिकनाइयों को दूर करता है वो वाला क्लीनर है। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे लूँगी। तो उसे आपको हल्का सा स्प्रे करना है, कॉटन के कपड़े से क्लीन करना है, ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा। अंदर की साइड से भी ज़रूर क्लीन करें, और जो भी इसमें चिपचिपाहट है आपके कैबिनेट्स के बाहर से, ये जो वुड वाले हिस्से में, सनमाइका वाले हिस्से में, वो एकदम से क्लीन हो जाएगी। अब आपका जो आपने कैबिनेट्स तो आपने क्लीन कर लिए हैं, जो उसका बाहरी हिस्सा है, अब देखिए अंदर के हिस्से को भी आपको क्लीन करना है। तो मैंने ये नीचे पॉली बिछाई रहती है, पॉली मैंने इसलिए बिछाई रहती है क्योंकि मेरी है जॉइंट फैमिली, तो मेरे बर्तन धुलने के अलावा बहुत सारे लोग हैं जो डिश वॉश करते हैं, तो कोई गीले रख लेते हैं, कोई सूखे करके रखते हैं, तो इसीलिए मैं एक ऐसी पॉलीथीन बिछाती हूँ क्योंकि अगर बाई चांस कुछ पानी भी गिर जाए तो वो पॉलीथीन पर ही गिरे, मेरे जो वुड है उस पर ना गिरे। तो सबसे पहले आपको एक अच्छे से झाड़ू से पूरे अच्छे से क्लीन कर लेना है, झाड़ू मार देना है मतलब अपने कैबिनेट्स के अंदर, और जितना भी कबाड़ा है उसे निकाल देना। तो देखिए कितना सारा कबाड़ा निकला है, आप देख सकते हैं, और वो कबाड़ा निकलने के साथ साथ आप देख सकते हैं जो कैबिनेट्स का कॉर्नर है वो कितना काला हो रखा है, क्योंकि जो वहाँ पे टाइल्स है वहाँ पे क्लीन नहीं होती है, इसीलिए आप देख से पहले से अच्छे से साफ़ कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे पानी का यूज़ नहीं करूँगी, मैं ऑल पर्पज़ क्लीनर का यूज़ करूँगी। अगर आपकी यहाँ पे वॉल है या आपका पत्थर है बिछावा, तो आप इसे डिश वॉश से भी क्लीन कर सकते हैं, जो मैंने पेस्ट बनाया उससे भी क्लीन कर सकते हैं, बट मेरा ये सनमाइका है इसीलिए मैं सिर्फ इसे ऑल पर्पज़ क्लीनर से क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि ये ख़राब होने का मुझे डर लगा रहता है।
तो अच्छे से इन ड्रॉर्स पे आप क्लीन कर सकते हैं। हाँ, अगर आपकी जो ये मूव करने वाले जो हैंडल्स हैं इसमें अगर जंक लग रहा है तो आप इसमें हल्का सा ऑयल भी लगा सकती हैं ये ग्रीसिंग के लिए कि अच्छे से मूव हो जाए। तो पूरी तरह से इसे अच्छे से साफ़ कर लीजिए और नीचे के हिस्से को भी अच्छे से क्लीन कर लीजिए, क्योंकि हम नीचे काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। वो तो सिर्फ़ मैंने जो पॉलीथीन बिछाई होती है तो उससे इतनी गंदगी जमा नहीं होती है। आप चाहें तो आप भी पॉली बिछा सकते हैं, उससे एकदम पानी वगैरह नहीं आपकी सनमाइका में लगता है या वुड में लगता है। तो अच्छे से क्लीन कर लीजिए, ड्राई कर लीजिए उस पूरे एरिए को, ऐसे गीला बिल्कुल मत छोड़िए। और जो ये टाइल्स हैं इसे भी हम क्लीन कर लेंगे। यहाँ पे जो भी आप क्लीनर यूज़ करती हैं, मैंने हल्का सा डिश वॉश लेके इसे अच्छे से क्लीन करा है तो ये अच्छे से साफ़ हो जाएगा ये एरिया, क्योंकि यहाँ पे पोचा बहुत कम लग पाता है उस कोने में। तो अच्छे से इसे साफ़ करने के बाद गीले कपड़े से साफ़ कर लीजिए उस एरिया को, और देख सकते हैं अभी अच्छे से क्लीन हो चुका है। तो इसके बाद आप चाहते हैं तो यहाँ पे पॉलीथीन बिछा सकते हैं, या मैं एक पॉली बिछा रही हूँ यहाँ पे दूसरी। इससे क्या होता है कि जो भी गीले बर्तन अगर बाई चांस कोई रख भी लेता है तो वो पानी डायरेक्टली हमारी वुड पे नहीं जाता है और मेरी जो वुड है वो सिक्योर रहती है और लंबे टाइम तक रहती है। अब हम सारे कैबिनेट्स को फिट कर लेंगे। पहले मैं नीचे वाला कैबिनेट्स फिट कर रही हूँ, तब मैं आपको ऊपर वाला बताती हूँ कि एक्चुअली आपको करना कैसे है फिट। तो सिंपल से आपको इसको ओपन करना है और जो उसके हुक्स हैं, मतलब जो शेप है, सेम उसी शेप में आपको लगा के इसे डायरेक्टली लगा लेना है और ये अंदर आराम से चला जाएगा। आपके ड्रॉर्स फिट होने के बाद इसमें आप अपना सामान रख सकती हैं, बट सामान रखने से पहले एक चीज़ का विशेष ध्यान आप रख लें कि जो भी आप सामान रख रही हैं उसे पहले अच्छे से क्लीन कर लीजिए ड्राई कपड़े से, कि उसकी जो डस्ट वगैरह है, गंदगी, वो आराम से निकल जाए या बाहर छट जाए। उसके बाद साफ़ करके ही इसमें अपना पूरा सामान रखिए। तो मैंने अपना पूरा सामान रख लिया है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। तो या प्लीज़ वीडियो पसंद आएगा तो एक लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हो सके मेरी वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। तो मैंने सिंपल आपको एक ही हिस्से में करके बताया। इसी तरीके से आप अपने पूरे कैबिनेट्स को क्लीन कर सकती हैं। तो दोस्तों, आज जिनका नाम मैं अपने चैनल में लेने जा रही हूँ उनका नाम है पंकज खारे, उन्होंने तो दूसरा नाम है दोस्तों उनका नाम है प्रवीण भाई पटेल फ्रॉम अहमदाबाद। तो दोस्तों, आप भी चाहते हैं आपका नाम मैं अपने चैनल में लूँ तो प्लीज़ उसके लिए क्या करना है, आपको नाम लिखना है और आप कहाँ से बिलोंग करते हैं वो मुझे कमेंट सेक्शन में भेज दीजिए। और मेरे लिए क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो पसंद आएगा लाइक करना है, कमेंट्स करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, अब मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में।